बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू केमिस्ट्री विद मुदसर तनोली आई एम मुदसर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुदसर तनोली डेयर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो डेयर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेलाइकन्स को दबाएँ और video को like और share करें in today lecture i will discuss about functional group. आज का जो lecture है आज के लेक्चर में जो है आपके साथ फंक्शनल ग्रुप जो है डिस्कस करूंगा. what is functional group functional group may be defined as an atom or group of atoms or multiple bond that gives characteristic properties to the compound is called a functional group functional group may be defined as an atom or group of atoms or multiple bond that gives characteristic properties टू द कंपाउंड इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम भी हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और मल्टीपल बाड भी हो सकते है फॉर एग्जांपल सिंगल डबल बांध और ट्रिपल बाड ये भी जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंपाउंड को खास प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर मल्टीपल बॉन्ड दैट गिव्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके टू पार्ट्स होते हैं वन पार्ट जो है उसको हाइड्रोकार्बन पार्ट कहा जाता है और सेकंड पार्ट जो है उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है फॉर एग्जांपल हेलोजेंस जो हैं ये भी जो है फ़ंक्शनल ग्रुप है और इसको एक्स से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्रुप ऑफ एटम भी जो है फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं इसी तरह मल्टीपल बॉन्ड भी जो है फंक्शनल ग्रुप हो सकता है एन आर्गेनिक मालिक्यूल इज़ कम्पोज ऑफ टू पोर्शन कोई भी आर्गेनिक कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट्स वो दो पोर्शन पे जो है वो मुश्तमिल होता है द फर्स्ट पार्ट इज़ हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड द सेकेंड वन इज़ फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू इज़ द अल्काइल ग्रुप एंड ओ एच इज़ द फंक्शनल ग्रुप डेयर स्टूडेंट सी एच थ्री सी एच टू ओ एच जो है ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है तो इथाइल अल्कोहल के फार्मूले में जो है टू पार्ट हैं सी एच थ्री सी एच टू जो है इसको अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन पार्ट कहा जाता है और ओ OH जो है इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है तो सी एच थ्री सी एच टू के साथ ओ एच अटैच है तो ओएच OH जो है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से जो है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है तो कोई भी आर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो टू पार्ट पे मुश्तमिल होता है नंबर वन हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड द सेकंड वन इज़ फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच में जो है टू पार्ट हैं सी एच थ्री सी एच टू जो है इसको अल्काइल पार्ट कहा जाता है और सी एच थ्री सी एच टू के साथ जो ओ एच अटैच है इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है इसी तरह सी एच थ्री ओ एच मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल जो है इसमें सी एच थ्री ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और साथ ओए जो है वो फंक्शनल ग्रुप है तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के टू पार्ट होते हैं वन इज हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड सेकंड वन इज फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज द एक्टिव ग्रुप इन द मालिक्यूल एंड टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्टिव पार्ट होता है मालिक्यूल के अंदर और केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है दैट इज़ वाई आल द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप इसी वजह से जो है प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मालिक्यूल रिमेंस एनर्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड के टू पार्ट होते हैं नंबर वन अल्काइल पार्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन पार्ट होता है किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड का और प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड्स करती हैं अपान फंक्शनल ग्रुप और सेकंड जो पार्ट है हाइड्रोकारबन पार्ट इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है और ये इनर्ट होता है अल्काइल ग्रुप जो है वो इनर्ट इन नेचर होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बांड अल्किन जो है इसमें कार्बन कार्बन डबल बांड होता है तो इसको जो है फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है अल्किन का इसी तरह अलकाइंस का फंक्शनल ग्रुप जो है वो ट्रिपल बांड है फॉर सर्टन रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स अल्किन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कार्बन डबल बाड है और का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड इसी तरह अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बांड होता है तो फंक्शनल ग्रुप जो है किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड का एक्टिव ग्रुप होता है उस मालिक्यूल में अब स्टूडेंट इससे आगे जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है दिए गए हैं फैमिली नेम नेक्स्ट कॉलम है फंक्शनल ग्रुप जर्नल फार्मूला क्या है और एग्ज़ाम्पल क्या है सबसे पहले कॉलम में है अल्केन अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन टू कार्बन सिंगल बान्ड जर्नल फार्मूला अल्केन का होता है सी एन एच टू एन प्लस टू और अल्केन की एग्ज़ाम्पल दी गई है सी एच थ्री सी एच थ्री ये इथेन का जो है फार्मूला है नेक्स्ट है अल्कन कार्बन टू कार्बन डबल बांड जो है अल्कन का फंक्शनल ग्रुप है और अल्कैन का जर्नल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन और कार्बन टू कार्बन डबल बांड हो साथ टू हाइड्रोजन अटैच हों तो ये इथीन का फार्मूला होता है सी एच टू डबल बांड सी एच टू इथीन का ये फार्मूला है नेक्स्ट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन इज़ कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो ये अल्काइंस होमोलोगस सीरीज है और अल्काइन का जर्नल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ जो है टू हाइड्रोजन जो है अटैच हैं क्योंकि कार्बन के पहले से जो है थ्री थ्री बाड जो है बने हुए हैं तो ये इथाइन का फार्मूला है नेक्स्ट है इरीन सी सिक्स एच सिक्स फैमिली का नाम क्या है इरीन और जर्नल फार्मूला इसका है सी सिक्स एच सिक्स इसको जो है बेंजीन भी कहा जाता है और फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट जो है दिखाए गए सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है और सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बांड है फिर सिंगल बांड है फिर डबल बांड है, है. साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या डिफरेंस है कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसमें जो है सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होते अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं होते जबकि बेंजीन जो है साइक्लोहेक्सेन की तरह की तरह ही सिक्स मेम्बर रिंग है लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बांड होते हैं तो बेंजीन का फार्मूला होता है सी सिक्स एच सिक्स और फंक्शनल ग्रुप जो है ये सिक्स मेबर जो रिंग है और इसके अंदर अल्टरनेट डबल और जो सिंगल बॉन्ड जो शो किए गए हैं ये इसका क्या है फंक्शनल ग्रुप है अब ये हर कार्नर पोजीशन पे जो हाइड्रोजन शो किए गए हैं इनके साथ जो है वन वन कार्बन होता है तो C6 H6 जो है इसका फार्मूला है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है X बांड शो किया गया है साथ जो है X है हेयर X मीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अल्काइल हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप X है और X से मुराद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है आगे जो है आर एक्स लिखा गया आर इज़ द अल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज़ R की जगह सी एच थ्री अटैच कर दिया जाए और एक्स की जगह क्लोरीन लगा दिया जाए तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड तो मिथाइल क्लोराइड इज़ द अल्काइल हेलाइड द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज़ एमाइन एमाइन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बांड एन एच टू ये जो लाइन है ये बांड को शो कर रही है ये जो है डैश नहीं है क्या है बांड है बांड एन एच टू तो एन एच टू के साथ अगर आर को अटैच कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आर एन एच टू आर इज ग्रुप एन एन एच टू इज द एम फंक्शनल ग्रुप अब आर की जगह सी एच थ्री या सी टू एच फाइव को अटैच कर दिया जाए सी टू एच फाइव को अटैच करें तो बन जाएगा इथाइल और एन एच टू को साथ अटैच कर दें तो बन जाएगा इथाइल एमाइन जिस तरह जो है ये सामने एग्ज़ाम्पल में दिखाया गया है इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल एंड फिनोल बाड OH ओ एच इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल अगर इस बांड के साथ आर को अटैच कर दिया जाए तो ये बन जाएगा अल्काइल अल्कोहल सी एच थ्री को आर की जगह अटैच करें तो ये मीथाइल अल्कोहल बन जाएगा द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईथर ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बाड ओ फिर बाड फिर साथ जो है अल्काइल ग्रुप तो सी ओ सी भी जो है ईथर का फंक्शनल ग्रुप है तो आर सिंगल बाड ऑक्सीजन फिर सिंगल बाड है अल्काइल ग्रुप के साथ अब अल्काइल ग्रुप की जगह अगर सी एच थ्री सी एच थ्री अटैच कर दिया जाए तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर सी ओ सी इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल डी हाइड का कार्बन डबल बांड, ऑक्सीजन और साथ कार्बन के साथ सिंगल बांड हो हाइड्रोजन का और कार्बन का फोर नंबर बांड जो है वो किसी भी नेक्स्ट कार्बन के साथ हो तो ये एल डी हाइड का फंक्शनल ग्रुप है अब ये कार्बन के टू बाड ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं वन जो है हाइड्रोजन के साथ है कार्बन के थ्री बाड हैं फोर नंबर बाड जो है नहीं है अगर इस फोर नंबर बाड के साथ जो है अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया जाए और अल्काइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल को यूज़ करें या हाइड्रोजन लगा दें तो ये बन जाएगा फॉम और अगर सी एच थ्री लगा दें तो ये बन जाएगा एसड एल्डिहाइड नेक्स्ट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच हों तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है कि एल्डिहाइड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ वन साइड जो है हाइड्रोजन होता है जबकि कीटोन के अंदर कार्बन के दोनों साइड पे जो है वो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसके बाद जो है कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच और सी डब्लो एच बॉन्ड सी डब्लो एच जो है ये कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है अगर सी डब्लो एच के साथ सी एच थ्री को अटैच कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एस्टिक एसिड। नेक्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली जो है वन ऑक्सीजन अटैच हो फिर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जो है अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो अगर इसी अल्काइल ग्रुप की जगह पे कोई सी एच थ्री लगा दिया जाए दोनों आर ग्रुप जो है इन पर सी एच थ्री सी एच थ्री लगा दिया जाए तो इनसे बन जाएगा मिथाइल एसीटेट तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ फिर सिंगल बांड ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप नेक्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हेलाइट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ कोई भी जो है एक्स हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये एसिड हेलाइट का जो है फंक्शनल ग्रुप है नेक्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसड एमाइड कार्बन डबल बाड ऑक्सीजन और कार्बन के साथ एन टू लगा दिया जाए और कार्बन का फोर नंबर बांड जो है वो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करते हैं ये एसड एमाइड का जो है ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है लास्ट वन इज द अल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल कार्बन का ट्रिपल बाड हो नाइट्रोजन के साथ और कार्बन का वन बाड जो है वो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हो तो ये इस साइनाइड का या नाइट्राइल का जो है फंक्शनल ग्रुप है और लास्ट में इसकी एग्जांपल दी गई है मिथाइल साइनाइड तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे थैंक यू फॉर वाचिंग